ऐसी आग हो ना विंटर टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती है ठंडी की। जरा बिक्की भाई के साथ चलते हैं, आगे आगे ठंडी के दिनों में तो असली ये वाली लकड़ियाँ चाहिए जो तेरे आगे भी जल रखी है। ये ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना कि पहाड़ों में जाके फॉरेस्टों में जाके मतलब हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है एक नए कैंपिंग वीडियो में। तो बाकी काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बाकी ला चुका हूँ फिर से एक नए कैंपिंग एक फिर से ला चुका हूँ एक नए कैंपिंग वीडियो काफ़ी दिनों बाद, ठीक है। तो मैं और बिक्की भाई आ रखे हैं फिर, और जल्दी आया, बहुत जल्दी आ गए। सामने देखो पहाड़ों पे धूप ही धूप है अभी, तो थोड़ी देर बाद सूरज भी ढल जाएगा और आज की कैंपिंग दिखाते हैं आप सभी लोगों को। और यहाँ का जो व्यू है ना बहुत मस्त है, देखिए सामने पहाड़ दिख रहे हैं चारों ओर। अपनी तो अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, अब यहीं पर टेंट वेंट पिच करेंगे बढ़िया से। क्यों ठीक है फिर दोस्तों, टेंट वेंट पिच करते हैं फर्स्ट क्लास से अपनी, और लकड़ी वकड़ी ढूंढते हैं, करते हैं आज की कैंपिंग की शुरुआत। चले बाबा गाड़ी मार दो गाड़ धुबे भाई कैंपिंग कर भी धुबर का पता कर कैमरे शीघ्र से मुड़ो। अबे कैमरा हम मुड़ो, हम काम ही हूँ अन्नू, कोई बात ना। इनमें भी जंग लगना स्टार्ट हो गया रे स्टिकों पे। चले दोस्तों, आराम से टेंट वेंट भी पीछे हो गया फिर बढ़िया से अपना, और हल्के हल्के करके से अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया है। बाकी बिक्की भाई सामने लकड़ी ढूंढने गया है, तो कुछ सूखी सूखी लकड़ियाँ तो हमें चाहिए क्योंकि आजकल ठंड का टाइम है, विंटर टाइम स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रात को ठंडा हो रहा है। और कोहरा तो कोहरे के बारे में तो क्या कुछ नहीं कह सकते, तो ऐसी सूखी सूखी लकड़ियाँ अगर हमने टाइम पर अगर निकाल दी ना तो हमें रात को सेफ्टी भी रहेगी और ठंडा भी बच जा मतलब कंट्रोल रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको भी जलाएंगे, और बिक्की भाई गायब है अभी। आज मैं और बिक्की भाई आ रखे हैं फिर दो जने कैंपिंग में, तो सामने के पहाड़ क्या गजब के दिख रहे हैं यहाँ से देखिए। ये तो ये हमने पूरा जंगल कवर कर रखा है, तो ये भाई आ चुका है लकड़ी ला के कुछ चीटे वीटे, क्योंकि अभी चले आ कहीं और जगह चल क्या पता और हैं बहुत हैं सूखी सूखी लकड़ियाँ। चलो इसी साइड चलते हैं फिर, नीचे साइड क्या पता और ज़्यादा कुछ मिल जाए। अभी बाकी टेंट वेंट तो लगा ही दिया है, आजकल कांटे वांटे हो रहे नहीं हो रहे यहाँ पर, बहुत दिन हो गए यार नहीं आए जंगल में। ऐसे सूखी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएगी तो ना सही रहेगा, नहीं है यार कच्ची कच्ची लकड़ियाँ। कहाँ कहाँ हमने यहाँ कैंपिंग नहीं कर रखी है, कहाँ 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 कहाँ। नीचे पूरा वही है, मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ लकड़िया अच्छी पहाड़ी ठीठे तो सही है, लेकिन लकड़ियाँ मिलनी ज़रूरी है ना भाई,
लकड़ियों से तो असली काम होता है, दो तीन मोटी लकड़ियाँ मिल जाती तो गेम बच जाता अपना खाने का। चलो नीचे दिख रही मेरे को, आ जा सूखी लकड़ियाँ। तो यहाँ लकड़ियाँ मिल गई है फिर सूखी वाली, देखो पूरा जड़ सूखा है ये, इसमें कीड़े देखना कितने भयंकर तरीके से जा रहे हैं, ये देखो। जंगल में सर्वाइव करना यानी कि बहुत मज़ेदार, मतलब जंगल में सर्वाइव करने में, सर्वाइव क्या कर रहे हैं मतलब कैंपिंग करने में ना, एक बार आप देख लेना कि कैंपिंग करने में कितना मज़ा आता है, एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना कि पहाड़ों में जाके फॉरेस्टों में जाके मतलब टेंट वेंट लगा के खाना वाना बना के क्या सुकून मिलता है सही में। तो उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर, लकड़ियाँ वकड़ियाँ तो ढूंढने के लिए है। देखो चारों ओर आपके जंगल ही जंगल हो, कितना मज़ा आता है ना। विकी भाई के साथ चलते हैं अभी, फिर फिलहाल आगे क्या पता। अभी कि यहाँ भी है रे लकड़ियाँ, ये विकी इधरा इधरा, अरे छोड़ इसको विक्के, इधर विक्की भाई के साथ चलते हैं। इधर आगे आगे जंगलों का एक एक्सपीरियंस लेने में ना मज़ा तो है। लकड़ी वकड़ी ढूंढो, आग वाग जलाओ, कैंप फायर करो। और ये भाई यहाँ पे कर रहे अपना काम, जड़ खोदनी पड़ेगी इसकी जड़। जल गई फर्स्ट क्लास से अपनी आग, बढ़िया वाली ऐसी आग हो ना विंटर टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती है ठंडी की, जरा बाहर से क्यों आएगा। सुहाना मौसम और आजकल बारिश बारिश का भी डर नहीं रहता यार, लेकिन मौसम का कुछ भरोसा नहीं है उत्तराखंड का, अब मानसून बदल जाए। उत्तराखंड है बोले, उत्तराखंड जगह नहीं है लगाड़ कसी जगह है टैलेंट। सही हो गया, सही है बिल्कुल। सामने का जो गांव दिख रहा है ना यहाँ से बहुत तगड़ा दिख रहा है भाई, लोगों मजा आ गया। लेकिन ठीक है फिर, सब कुछ हो गया है, आग भी चल चुकी है और टेंट भी पीछे हो गई गया है। अब एक शानदार इवनिंग वाली चाय बनाते हैं अपने लिए, कॉफ़ी क्योंकि कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी, सॉरी आज कॉफ़ी बनाएंगे हम, कॉफ़ी ठंड के दिनों में, कॉफ़ी ठंड के दिनों में आग पक्का। ऐसा लग रहा है उजाला हो रखा है ना, है ठंडी के दिनों में तो असली ये वाली लकड़ियाँ चाहिए जो तेरे आगे भी जल रखी है, फड़क्यार लकड़ियाँ एकदम जलंधर। एक मज़ेदार कॉफ़ी बनाते हैं अपने इस गैस स्टोव पे, बाथरूम में बांधने के लिए रख दे हैं। हाँ रुक जा, हम करते हैं आराम से। ये है अपना सिलेंडर, इसमें लग जाएगा ना, ठीक ये बन गया अपना पूरा गैस स्टोव, ठीक है। चलो दूध डाल दिया इसमें, अब बनाते हैं कॉफ़ी आराम से, रखते हैं। इसमें हमने मैक्रोनी डाल दिया, आज मैक्रोनी बनाने का प्लान था दो भाइयों का पूरी, ये मैक्रोनी भी उबालने के लिए रखे हमने। यार ये बहुत देर लगा रहा है यार, दूध गर्म होने में गैस तेज कर दीजिए। चलो बाबा ये देख,
देखिए कॉफ़ी बन गई जैसी भी बनी हुई। करके यहाँ कॉफ़ी वॉफी पीते हैं यार, वहाँ से थोड़ा इंजॉय लेते हैं प्रकृति का। ओला जी हमें है, ओला जी हम ना यार मज़ा नहीं आया। ठंडे ठंडे मौसम में कॉफ़ी का इंजॉय। तो दोस्तों ये देखिए ये अपनी माइक्रोनी बिल्कुल बढ़ के मस्त हो गई है, अभी उबाल रखी है मतलब बनी नहीं है, तो उबल अच्छी से चुकी है। उसमें देखना अच्छे वाले मसाले वसाले डाल के इसको आराम से बनाते हैं मस्त वाली। कॉफ़ी भी बन गई थी और वो भी बन गया था, मैक्री भी मैक्रोनी भी उबल गई थी आराम से। यार पटाख से ये काम भी फाइनल कर लेते हैं अपना। चाकू तीखा नहीं हो रखा है क्या उस दिन से मैंने है? चलो फिर दोस्तों आग वाग जली है अपनी फर्स्ट क्लास से, बाहर से ही बनाते हैं फिर। इतनी मस्त आग जली है क्यों गैस में खाली गैस का। ओह माय गॉड ये हो गया कुपाला तीन। मिर्च मिर्च डाल देते हैं इसमें जरा वाडा ये देखिए ये जो पड़ता है ना इसमें तो अलग ही स्वाद आता है इसका। इसके इसमें की ये इसके मसाले इसमें आराम से ये ओह माय गॉड ये ऐसी कुकिंग आपने कभी नहीं देखी होगी हमारी। चलो दोस्तों ये बन गई अपनी फर्स्ट क्लास से मैक्रोनी, मसाले वसाले डाल बुल के देखे तो मस्त लग रहा यार। खाना बन गया, खाना क्या हल्का फुल्का बनी गया, इसलिए बनाया ना हमने हल्का फुल्का क्योंकि हमें जाना है घर को। हम आज यहाँ नहीं रहेंगे मैं और यह, क्योंकि नवरात्रि चले हैं तो वहाँ हमारे गांव में भजन कीर्तन होते हैं, तो हम ऐसे तो रोज़ जा रहे हैं ठीक है, हैं इम्पोर्टेंट है जाना ज़रूरी है। और ये बन गई थी मैक्रोनी। तो इस प्रकार की अपनी मैक्रोनी बन गई है देखो, एकदम मसाला वसाला डाल के ठीक है, पहाड़ी मसाले। तो बाकी खाते हैं फिर अब क्या, चलो है खाते हैं। इसके साथ खाएगा क्या? चले आप वैसे भी घर जाके फिर देखते हैं, घर ही जाना है वैसे। अपनी कैंपिंग वीडियो में लाइट लाइट खाना होना चाहिए जब घर को जा रहे हो, सामने का व्यू के साथ, सामने का जो व्यू आ रहा है ना उसके साथ इसको खाते हैं बढ़िया से। हमारा बना हुआ मैक्रोनी रखते हैं फिर, आप भी चखो। मज़ा आ गया एक नंबर, मेरे लिए तो नमक सेव रखा है, इसको थोड़ा नमक ज़्यादा चाहिए, सही है बट ही एक नंबर डाल दो। चलो फिर दोस्तों खाना खा के मिलते हैं यार आपको, इसको फिनिश करके ठीक है। ठीक है चलो फिर दोस्तों फटाक से निकलते हैं यहाँ से क्योंकि खाना वाना भी खा लिया है, अब टाइम भी हो गया है, अपनी वीडियो भी बन चुकी है तो ज़्यादा लंबी नहीं बना पाया क्योंकि आप पता ही है सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। तो आगे आगे आप सभी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी,
ठीक है दोस्तों, अभी हम पूरी नाइट तो रह नहीं पाएंगे, ये दो जने भी है, पहले सामान पैक करते हैं ठीक है। अभी टाइम क्या हो गया, और अभी बज गए तुम्हारे 8:30 हो गए समझ लो, और 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे आराम से, 9 समथिंग पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी उतार दे, फिर ठंडा ओ पीछे वाली की प्लेट तो निकाल के निकले, तुमने लाए थे एक ये वाली है। तो ठीक है फिर दोस्तों, टेंट वेंट सारा उतार बता लिया है, सामान भी सारा पैक कर लिया है, और ना यहाँ से जो सामने का व्यू दिख रहा है ना, यहाँ से ये देखिए सामने जो गांव दिख रहा है, क्या गजब का दिख रहा है। तो ये अपने बिक्की भाई है, सामान वामान लेके पूरा रेडी ठीक है, इसे भी टाक दूं। हाँ इसको मैं टाक लूंगा ठीक है, दो हो गए सही है, फिर निकले फिर ठीक है दोस्तों, आप निकलते हैं फिर, सामने चंद्रमा भी अच्छा रखा है तो निकलते हैं, घर को ज़्यादा दूर भी नहीं है घर यहाँ से। तो आज की कैंपिंग वीडियो जैसी भी लगी बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट एक शेयर करना, चले भाई विक्की भाई चलो 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 ठीक है, चलते हैं भाई लोगों, डर तो नहीं लगेगी तेरे को, और सामने देखो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ रह तो नहीं है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा। देखो यहाँ भी हमने कैंपिंग की थी बहुत पहले, पूरा घास ही घास हो रहा, और आप देख ही रहे हो आप, ये है हमारे रात के रास्ता, डरावना कितना डरावना देख रहा है, देखो कोई मूवी वाला सीन वाला लग रहा है। तो सामने गांव आ चुके हैं, देखो आवाज़ आ रही होगी, लग के मतलब भजन बोल रहे हैं, धर्मेंद्र भाई आए हैं, धर्मेंद्र भाई आए हैं, कौन आया है धर्मेंद्र भाई